guys, welcome to my channel. This is Arush here. Today I'm going to make biscuit cake. Yes, you heard me right. So yeah, किसी ने तो मुझे comment किया था कि cooking videos नहीं डालते हो, तो चलो आज करते हैं cooking. और ये सबसे अच्छा cooking होगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है. ओवर एक्टिंग हो गई. हमने 8 हैप्पी हैप्पी बिस्किट्स लिए हैं. बिस्किट जगह पे ओरियो बिस्किट्स भी ले सकते हैं. इसको हम खोल के एक कंटेनर में रख लेंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे. ओके, मैंने सारी बिस्किट को निकाल लिया है और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे मिक्सर पे. सो लेट्स गो. एंड सारे बिस्किट को ना अच्छे से तोड़ लेंगे क्योंकि मैंने ठीक से तोड़ा नहीं था तो बहुत दिक्कत आई थी. तो ऐसी कुछ दिक्कत आई थी कि ये सारे बिस्किट्स को तोड़ लेते तो ऐसा नहीं होता. लेकिन अच्छा, कोई बात नहीं, अभी हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे फिर ठीक हो जाएगा. तो देख लिया आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा. तो यहाँ पे अभी और भी बिस्किट है जिसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. बट अगर आप तोड़ के करोगे तो मेहनत नहीं पड़ेगी. बट एनीवेज़, फाइनली अच्छे से हो गया. अब इसको एक कंटेनर में निकाल लेंगे. ओके, तो इसको इस कंटेनर में निकाल लेंगे सारे को अच्छे से एंड देख लेंगे कि ये अच्छे से पीसा है, आई मीन ग्राइंड हुआ है या फिर नहीं. ओके, पूरा अब ये निकल चुका है. ओके, तो अब इसको साइड में रखेंगे एंड हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें कि हम चीनी को डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे सो दैट ये पाउडर फॉर्म में हो जाए. तो चीनी अपने बिस्किट के अकॉर्डिंग ले लेना, जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से. सो अब हम चीनी को ग्राइंड कर रहे हैं और ये डन हो चुका है. हमने जो दूध लिया है ना वो गर्म थी तो हम इसे ठंडा होने डाल देंगे. एंड उसके बाद हम लेंगे बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा में चाहिए ऐसा वाला एक पैन चाहिए होगा एंड देन वट एवर यू कॉल लाइक देख लो ऐसा वाला कुछ चाहिए. ओके, तो मैंने फाइनली बिस्किट को पीस चुकी हूँ एंड चीनी भी पीस चुकी हूँ. ऑल यू नीड बेकिंग सोडा और सोडा और देयर इज दिस पेस्ट चीनी. तो मामी इसमें चीनी का पाउडर मिला दी बिस्किट वाले. इसमें डाल रहे हैं दूध. या और दूध ठंडा करके डाल रहे हैं. इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे. वैसे मामी ने अभी तक जितने भी केक बनाए हैं वो सब बहुत बेस्ट रहे टेस्ट में. पर इस बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया ना कि हम इसमें तेल नहीं डालने वाले. तो देखते हैं कैसा बनता है. ओके, तो इसमें दूध अपने अकॉर्डिंग डालना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे. तो जैसे जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ उस अकॉर्डिंग डाल लेना क्योंकि हमने कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं की थी. हम बस यू ही लाइक इट्स लाइक बना रहे थे अब जैसे भी. तो अब बस कंसिस्टेंसी देख लो, इस तरीके की कंसिस्टेंसी आनी चाहिए. और इसके बाद बेकिंग सोडा एकदम चुटकी मतलब यू नो पिंच भर डालना है. अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हो. बट आई रिकमेंड कि बेकिंग सोडा ही डाला करो, दैट्स गुड देन इनो बिकॉज मामी मना करती है इनो डालने से. आई डोंट नो व्हाई. अभी जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारे लम्स एंड बबल है तो हम अभी इसे ठीक करेंगे. ये तो ओके, तो फाइनल कंसिस्टेंसी ना कुछ ऐसी होनी चाहिए. ओके, अब हम ना इसमें डालेंगे रिफाइंड. और रिफाइंड डालने के बाद इसको चारों तरफ से लाइक यू नो उसके पेंदी में एंड सब जगह अच्छे से कोट कर देंगे. अरे उस टाइम का मौसम इतना अच्छा लग रहा था ना, बूंदाबांदी हो रही थी. ओके, हम कढ़ाई में केक बनाएंगे ना कि कुकर या ओवन में. हम कढ़ाई केक बना रहे हैं तो इसके लिए कढ़ाई को मैंने इस पे रख दिया है लो फ्लेम में ताकि कढ़ाई प्री हीट हो जाए. एंड इसके ऊपर हम सॉल्ट डालेंगे. सॉल्ट के ऊपर हम स्टैंड डाल के एंड उसके ऊपर हम अपना जो भी लाइक कंटेनर जिसमें मैंने बैटर डाला है वो डालेंगे. ओके, तो ये नमक हमने डाल दिया और इसको अच्छे से इवन तरीके से फैला देना है. एंड इसके ऊपर स्टैंड, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है ना तो जो गैस में होता है ना नीचे में यू नो अभी दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा. ये गैस के अंदर डालते हैं हम, तो ये वाला भी डाल सकते हो, इट्स गुड. मेरे पास यहाँ पे नहीं था ना क्योंकि हम लोग गाँव आए हुए थे अभी, तो इसलिए.
तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे वो कंटेनर जिसमें कि बैटर रखा है, और ये कंटेनर को भी ना थोड़ा सा लाइक 1 मिनट के लिए थोड़ा प्री हीट होने देंगे, सो दैट अच्छा रहता है लाइक यू नो निकलने में इजीली रहता है। और उसके बाद सारे बैटर को इसमें अच्छे से पोर कर देंगे एंड देख लेंगे कि कोई बबल्स ना बने। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। ये हो चुका है सेट, और इसको ढक देंगे हम एक किसी भी बर्तन से, थाली से, और इसको 45 या 40 मिनट बाद चेक करेंगे। इसको ना एकदम लो फ्लेम पे रखा है मैंने, लो भी नहीं है, मीडियम फ्लेम पे रख देना, मीडियम फ्लेम इज़ ओके फॉर इट। एंड उसके बाद चेक करने समय ना देखो अभी हो चुका है, और इसमें हमने ये नाइफ को डाला और कोई भी पार्टिकल लाइक इस पर चिपक नहीं रहा है, तो दैट मीन्स केक इज़ डन। सो अब इसको निकालना है। मामी निकालने की कोशिश कर रही है, गिराएगी मुझे पूरा उम्मीद है। क्या कर रही है? Yes, here it is. Okay, so हमने इसको डेकोर किया, अब इसे एक प्लेट में हम लोग सर्व करेंगे एंड देन मैं फाइनल लुक रिवील करूंगी। सो दिस इज रोज एंड दिस इज बिस्किट एंड हमने शुगर के साथ गार्निश किया, दैट्स इट। सो या So now let me taste.